और इसके साथ पूरा वो मैच करूंगी फिर वाओ क्या लगूंगी चल पकड़ 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 छोड़ो कौन हो तुम लोग छोड़ो कहा था ना तुझे तेरी औकात याद दिला देंगे हाँ छोड़ो और तू क्या बहुत उड़ रही थी इस विद्या के साथ नहीं उड़ना चाहिए था तेरे को अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है ये लेके चल इसको नहीं 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 अरे नहीं 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 नमस्कार मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ सोशल मीडिया के दौर में एक खास किस्म के अपराधी वर्ग ने जन्म लिया है जो सुनसान जगहों पर लड़कियों और औरतों पर हमला करके उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाते हैं ऐसे वीडियो इतने ज्यादा घिनौने और हिंसक होते हैं कि सूचना माध्यमों पर जंगल में आग की तरह फैल जाते हैं पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे आसपास ही ऐसे विकृत लोग भी रहते हैं जो इन वीडियोस के कंज्यूमर हैं और ये कंज्यूमर कब खुद क्रिमिनल बन जाए किसी को नहीं पता होता चल गया ना मार देंगे विद्या नेहा उन लोगों ने तेरा रेप किया है उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए नहीं चल लो घर चलते हैं नहीं जाना कुछ नहीं करना तेरी मौसी ने तेरे लिए लड़का देखा है देख कैसा है अच्छा है अरे अरे बोलना अच्छे से बोलना कैसे जाए बाबा आप इसको क्यों फोटो दिखा रहे हो अब पसंद ना पसंद ये बताएगी हमको मतलब हमको नहीं पता कि इसके लिए सही क्या और गलत क्या है आप मौसी को बोल दो शादी के बाद आगे बढ़ाओ 23 साल की हो गई है अगर अभी भी शादी नहीं की ना तो लोग थूकेंगे हम पे बोलेंगे इतनी जवान लड़की को घर में बिठा रखा है ठीक है मैं मौसी से बात करता हूँ अंकल नेहा से मिलने आई बाबा ये विद्या का घर पे आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक तो इसकी खुद की शादी नहीं हुई है और इसका देख के नेहा भी शादी के लिए मना करती रहती है अब उसको मना क्यों नहीं करते घर पे आने के लिए तू जानता है ना मैं विद्या को घर आने से मना नहीं कर सकता तू कर सकता है तू मना कर कर पाएगा देखने शादी के लिए हाँ बोलने से पहले एक बार अपने पापा और भाई से बात कर उन्हें बता कि तेरे साथ क्या हुआ है तो देखना जरूर कुछ करेंगे जो भी हुआ उसे मैं एक बुरा सपना समझ के भूल चुकी हूँ छोड़ मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती देख तू जा यहाँ से नेहा मैं तुझे ऐसे गुट गुट के जीते हुए नहीं देख सकती हूँ तू एक काम कर तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल हम वहां पर जाके सब कुछ बता देंगे तू चल अगर तेरे साथ ये सब हुआ होता तो तू जाती पुलिस के पास तू चाहती कि तेरे बाबा को ये सब पता चले तू जा हेलो अरे हाँ सर
तीन बार इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की डेडलाइन पहले ही बढ़ चुकी है और तुम्हारी लेबर की स्पीड को देख के तो लग रहा है चौथी बार होने वाला है। अरे सुनील सर, इस बार डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, आप निश्चिंत रहो, काम टाइम से पूरा हो जाएगा। नहीं उठना चाहिए था तेरे को, अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। लेके चल इसको। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं विद्या। इसलिए कॉलेज भेजते तुझे, ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए। बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है बाबा? किसकी गलती है? दादा, तू किसकी गलती है? सब कुछ तो तेरा किया धरा है ना? और जा उस विद्या के साथ हीरोइन बन के कॉलेज में, पढ़ने जाती है कि मॉडलिंग करने जाती है तू? उसका तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हमारी नाक कट गई। तूने बताया क्यों नहीं हमको? तू बोलने का नहीं वाला? अब तो पता चल गया ना आप लोगों को, अब क्या करेंगे आप? या आप लोगों का सिर्फ मुझ पे जोर चलता है? देखा पापा, पीछे तोड़ कैसे चलते थे, मुंह बंद रख। आज के बाद कॉलेज आना जाना सब बंद। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। राहुल, मौसी से बात कर, उसको बोल शादी के लिए कैसा भी लड़का चलेगा, घोड़ा गधा सब चलेगा, बस इसकी जल्दी से शादी करके बला सर से डांटनी है। अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। ले, लेके चल इसको। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं विद्या। का ही फालतू गिरी, अब क्या पुलिस हर जगह रहेगी? काय झालं स्मिता, इसका गुस्सा मोबाइल पे निकाल रही है। करड़े हा पहा वीडियो। ले, लेके चल इसको। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, 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 विद्या। अरे ही मुलं काय करतात? मूळगाव नाशिक वन वैभव, अरे तो अशोक नगर के पीछे है। अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती। ले, लेके चल इसको। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, 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 विद्या। हो सर नक्की, हे बघा ये अशोक नगर के पीछे है सर, मुड़गांव नाशिक। ये लड़कों ने मास्क पहना है। नहीं उठना चाहिए था तेरे को, अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती। ले, लेके चल इसको। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, 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 विद्या। और बाइक की नंबर प्लेट शायद जानबूझ के छुपाई है। ये असॉल्ट वीडियो पूरे प्लानिंग के साथ वायरल किया गया है। आई थिंक हमें इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन सर अभी तक इस वीडियो के खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल नहीं की है। तो कंप्लेंट नहीं की तो क्या हुआ, सेंसिटिव मैटर है, इन्वेस्टिगेट तो करना होगा ना हमें। शायद उन लड़कियों को बहुत तकलीफ हुई होगी, डर के मारे नहीं आए कोई सामने। करड़े, हो सर, सुओ मोटो केस फाइल करो तुम्हारे नाम से। सर, पर शिरके को उस एरिया में लेके जा, पता करो लड़कियों के बारे में। हो सर, और किस आईपी एड्रेस से ये वीडियो वायरल हुआ है पता करो। सर चलिए। मूलगांव नासिक वन वैभव, कड़े जगह तो यही है और काफ़ी सुनसान भी लग रही है। इसी का फ़ायदा उठा के उन वीडियो वाली लड़कियों को टारगेट किया गया था। सर इधर थोड़ी दूरी पे एक मार्केट है, उधर चल के पता चलेगा। अरे तुझे तेरे बाबा और दादा ऐसे कैसे मार सकते हैं? इसमें तेरी क्या गलती है, तुम बात करना। गलती किसी के भी हो, एक बार किसी लड़की का रेप हो जाता है ना तो उसे मर ही जाना चाहिए। मैं भी मर जाऊँ तो अच्छा है। नेहा तेरा दिमाग खराब है क्या, क्या सोच रही है तू? देख तुझे कसम है अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरे बाबा और दादा से तो मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं विद्या, देखो प्लीज तू बाबा से इस बारे में कुछ भी बात मत कर, नहीं तो वो मुझे फिर से मारेंगे। विद्या, हमारे रिलेशनशिप को दूसरों के पर्सनल मैटर में क्यों ला रही है? ये विष्णु का घर का मामला है, देखो मुझे इसमें पढ़ने की कोई शौक नहीं है, समझी? सुनील विष्णु काका तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, अगर तुम उनसे बात करोगे तो कम से कम नेहा को मारेंगे नहीं, रोज पीटते हैं उसको। तुम्हें शौक होगा दूसरों के पर्सनल मैटर में अपनी टांग अड़ाने की, मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े नाम मर्द हो। देखो हमारी रिलेशनशिप एक जगह
मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे से बात नहीं कर सकती। जो हो वही बोल रही हूँ, असली मर्द होते ना नेहा को बचाते, विष्णु काका से बात करते, यू नामर्द की तरह पीछे नहीं हटते। सर वो एरिया काफी सुनसान है और अशोक नगर और सुभाष नगर के बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है। हमने फोटो लेके इधर उधर पूछताछ भी की, लेकिन सर वो लड़की कहीं भी हो सकती है। सर ये लड़की आई है। अरे कहाँ थी आप, हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि सो मोटो केस भी बना लिया हम लोगों ने, और वीडियो में कौन लड़की थी वो कहाँ है? सर बताती हूँ। हाँ बताइए। सर मैं विद्या कांबड़े और इस वीडियो में जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है नेहा सावरे, जिसका रेप हुआ है। उसका रेप भी हुआ है? जी सर, मयूर और उसके दोस्तों ने मिलकर नेहा का रेप किया है। तुम्हारे सामने? नहीं सर। नहीं उड़ना चाहिए था तेरे को, अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। ए, लेके चल इसको। नहीं भैया। चल भैया। चल भैया छोड़ दो भैया। चल विद्या। मयूर ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया और मैं नेहा के पास गई तो नेहा ने मुझे ये सारी बातें बताई। उन लोगों ने मेरा रेप किया विद्या। कितनी देर बाद होश आया तुम्हें? सर करीब आधे घंटे के बाद, तब तक मयूर और उसके दोस्त चले गए थे और नेहा बेहोश पड़ी थी। मयूर मतलब तुम जानती हो इन लड़कों को? जी सर, वो मेरे ही इलाके के हैं, मयूर कुलकर्णी, देवदत्त राणे, सूरज देशपांडे और ये मल्हार जोशी। लेकिन इन लड़कों ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? मयूर और उसके दोस्त दूसरे समाज के हैं, मैं और नेहा दूसरे समाज के हैं, और मयूर के फादर मेघनाथ कुलकर्णी पॉलिटिशियन है, और हमारी कॉलेज में डिबेट हुआ था ये सामाजिक गैर बराबरी के बारे में, जिसमें नेहा ने कुछ बातें बोली थी और मयूर को पसंद नहीं आई थी, जिसका सबक सिखाने के लिए वो नेहा के साथ ये सब किया है। मयूर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बन रही है तू, हमारे बराबर बैठना तेरे को। बैठना नहीं है, बैठ चुके हैं, तभी तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और मयूर वो जमाना गया जब तुम लोग हमारे लोगों को डरा कर रखते थे। हे विद्या, तेरे को जितना भी उड़ना है ना उड़ ले, लेकिन एक बात याद रखा, राज हमारा ही चलेगा और तुम जैसों को ना जूतों की नोक पर रखेंगे हम। हट, तू मुझे अब अपनी जूते के नोक पर रख कर दिखा, मजा आया एक थप्पड़ में या एक और चाहिए? क्या हुआ मयूर, कुछ याद आ गया क्या जो जूता और नोक दोनों भूल गए? कब का झगड़ा था ये? 20 दिन पहले। तुम्हारे घर में पता है ये? नहीं सर, घर पे किसी को नहीं बताया, अगर बताते तो बात और बढ़ जाती, और सर मयूर ने इस झगड़े का सबक सिखाने के लिए नेहा के साथ ये सब कुछ किया है। और ये असॉल्ट और रेप वाली घटना कितनी तारीख को हुई? 10 अक्टूबर, जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। 10 अक्टूबर, आज 18 अक्टूबर, 8 दिन हो गए, 8 दिन के बाद आप आ रही, वो भी अकेली, वो नेहा कहाँ है? हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम जो चाहे वो कर सके, और सर मैं अभी भी आपके पास नहीं आती कि नेहा को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेहा को क्या हुआ? सर नेहा के बाबा और दादा उसको रोज मारते हैं इस वीडियो की वजह से, मुझे तो डर है कि वो लोग कहीं उसको मार ही ना दें, और नेहा भी सुसाइड की बातें करती है। सर सर वो टूट चुकी है, प्लीज आप लोग उसे बचा लीजिए प्लीज। उसका एड्रेस दो। तुम्हारे लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, तुमने पुलिस स्टेशन आना चाहिए, उसको मार रहे हो। सर अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो मयूर का बाप मेघनाथ हमें जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए हम सबको जानकर भी चुप बैठे। नेहा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा मेडिकल करवाने के लिए, और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस तुम्हारे साथ है। पुलिस नहीं चाहिए हमें, जो होना था हो गया, और आगे कुछ नहीं करना है हमें। आप लोग जितना मामला बढ़ाओगे ना उतनी हमारी बेइज्जती होगी, और मयूर के बाप से दुश्मनी अलग। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन का भला छोड़कर बाकी सब कुछ सोच रहे हो? चाहती क्या है समाज में इसकी बदनामी हो, कोई इसके साथ शादी ना करे तो इसके दोस्त है या दुश्मन? सर आप जरा इस विद्या से पूछिए, मयूर के साथ दुश्मनी इसने ली, थप्पड़ इसने मारा मयूर को, फिर मयूर ने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ क्यों किया, और इसको तो छुआ तक नहीं। क्या सर, हमें तो लगता है कि नेहा का ये कांड इसी ने करवाया। दिमाग खराब है तुम लोगों का, नेहा तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए, किसी का भी बेटा, तुम्हें लगता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए?
लगता है। अभी फिलहाल उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं हम लोग, घर आएगी वो। बुरा व्यवहार किया तो मैं बुरा व्यवहार करूंगा, जिम्मेदार तुम लोग होगे। सर इंस्पेक्टर, ये माझे समर्थक है, मेरे बच्चे को ऐसे नहीं ले जाने देंगे। पुलिस के काम में दखल अंदाजी देने का मतलब पता है ना तुमको? अब भी पुलिस फोर्स बुलाऊंगा, सबके सब जेल में जाओगे। चलो ऑटो पीछे। अरे हट। गलत नहीं है शेर के, मयूर और उसके दोस्तों को तो हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन नेहा के भाई राहुल के बाद में भी दम है, क्योंकि अगर मयूर को विद्या से दुश्मनी निकालनी थी तो उसने नेहा के साथ क्यों रेप किया और विद्या को ऐसे छोड़ दिया बिना मारे पीटे। सर देखा जाए तो विद्या नेहा से सुंदर भी है, मयूर के पास पूरा मौका था अपनी दुश्मनी निकालने का, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया। सर एक और बात, मयूर और उसके दोस्तों ने नेहा का रेप किया और वहां से चले गए, उसके बाद इस विद्या को अचानक से होश आ गया, कहीं विद्या बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही। सर मुझे पता है आप मुझ पे शक कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छा तो बताइए दिशा, एक बात बताइए, मयूर ने तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालने के लिए नेहा का रेप कर दिया, ऐसा क्यों? और तुम्हें टच तक नहीं किया? मयूर तो क्या, इस पूरे इलाके के बड़े से बड़े हिस्ट्री शीटर में से भी किसी की औकात नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके। क्यों? क्योंकि मैं बाड़ा कांबड़े की बेटी हूँ। बाड़ा कांबड़े मतलब वो पुराना हिस्ट्री शीटर जो भी पॉलिटिक्स में है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे समाज के लीडर हैं और मेघनाथ उनके अपोजिट पार्टी वाले, और तुमने मेघनाथ के लड़के के ऊपर आरोप लगाए, क्या ऐसा तो नहीं कि अपने पिताजी का करियर चमकाने के लिए सब कुछ खेल खेला है? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, नेहा मेरी फ्रेंड है, मैं अपने फायदे के लिए इतना नहीं गिर सकती हूँ। अरे केलकर साहब, वो बाड़ा कामड़े ने बहुत सोच समझ के मेरे बेटे पे केस किया है, ताकि दोनों कम्युनिटी में एक टेंशन बढ़े और उसका असर मेरे राजनीति पे पड़े। मेडिकल रिपोर्ट आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। अरे वो आएगा तब आएगा, ये देखो मेरे पास में है मेडिकल रिपोर्ट, दिखाइए इसमें कहाँ लिखा है वो लड़की पे रेप हुआ, दिखाइए। राजनीति छोड़ के हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं क्या, कहाँ से लाए? अरे केलकर साहब, आपकी पोस्टिंग अभी अभी हुई है, बहुत सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, समझे? ये मेडिकल रिपोर्ट क्या चीज है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आ सकता हूँ मैं, लाओ क्या? ले लीजिए। समझाइए अपने क्लाइंट को, कायदा कानून सिखा रहे मुझे, हाँ आप इस एरिया में बहुत साल से काम करते, तो मैं भी इस डिपार्टमेंट में बहुत साल से हूँ, समझे? मुझे मत सिखाइए, सरकारी पेपर गैर कानूनी तरीके से हासिल करना क्राइम है, अंदर कर दूंगा। अरे पहचानते नहीं आप, अंदर कर दूंगा। पाटिल साहब तांबा, सॉरी केलकर साहब, क्या है कि बेटे को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गए। शीशा ठेवा, इमोशंस समझे, इंटरफेयर नहीं करने का, अंदर। नहीं नहीं केलकर साहब, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, ये रिपोर्ट कबूल जाइए, आप खुद मेडिकल रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए कि सच क्या है, क्योंकि जितना देर आप मयूर को थाने में बिठा के रखेंगे शहर का माहौल बिगड़ने का खतरा उतना ही ज्यादा है। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं सर, आप अपना डिसीजन ले लीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। बाहर ही ठीक है सर, मेडिकल रिपोर्ट। भले ही नेहा की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं आया है, लेकिन हमारे पास नेहा का मोलेस्टेशन वीडियो है, और सर ये लोगों ने तो मेडिकल रिपोर्ट्स को भी गैर कानूनी तरीके से एक्सेस किया है। कुछ नहीं कर सकेंगे इनका हम लोग, और कोर्ट में क्या प्रूव करोगे? मोलेस्टेशन वीडियो में ना तो लड़कों का चेहरा दिख रहा है, ना तो गाड़ी का नंबर, तुम प्रूव कैसे करोगी ये मेघनाथ का लड़का है? एक उम्मीद थी मेडिकल रिपोर्ट की, उसमें भी कुछ नहीं आया, ऐसा हाफ कुक पॉलिटिकल केस आगे नहीं बढ़ सकता। मयूर क्या रहे?
हाँ, पुलिस से तो तू बच गया, लेकिन क्या मैं नहीं जानती कि तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेहा का रेप किया है? मेरी बात याद रखना, नेहा को तो मैं जस्टिस दिलाकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे अपने पापा की मदद क्यों ना लेनी पड़े। ए विद्या, संभल के रहा मेरे साथ, नहीं तो ऐसा काट के फेंक दूंगा ना, जिंदगी भर तेरा बाप तेरे को ढूंढता फिरेगा। मयूर, क्या कर रहा है मयूर? हाथ उठा। चौप बेटा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आपकी वजह से पुलिस से बच गया, और आप मुझे बता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम रुको यहां पे, तुम्हारे पापा को मैं यहां बुला लेता हूं। बाड़ा, हे बगबाड़ा, तुझी मुलगी ती माझी मुलगी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया, वरना तुम तो जानते हो जो भी मेरी बेइज्जती करता है उसे मैं फोन नहीं करता, सीधा उठा लेता हूँ। और तुम्हारी बच्ची ने वही किया है, समझो तो मिथिला, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। वैसे भी मेरे बेटे ने कुछ किया भी होगा तो तुम्हारी बेटी के साथ में थोड़ी किया है, ये क्यों बात आगे बढ़ा रही है? भक्तो, ये तो विद्या सर, इक्कीस साल लाए। सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको वहां आना पड़ा। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वजह से नेहा के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। बेटा, तुम्हें कुछ करना ही था तो पहले मुझे बता दे, मैं कुछ करता। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस जगह से थोड़ा ब्रेक चाहिए। पापा, मेरी फ्रेंड तानिया है, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है 24 को, वो अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। वो मुझे बोल रही थी कि मैं भी उनके साथ चलूं, जाऊं क्या? मूड चेंज हो जाएगा। हम लोग खूब मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, है ना पापा? हाँ विद्या, देख बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो अब टेंशन मत ले, मस्त एंजॉय कर। डोंट वरी अंकल, मैं ठीक हूँ। मौसी का फोन आया था, लड़के वाले ने मना कर दिया शादी से, इस पुलिस केस से सारी दुनिया को पता चल गया है नेहा के बारे में, अब क्या होगा इसका? कौन करेगा तेरे साथ शादी? पहले ही एक बच्चे का बाप है ये लड़का, पर कौन शादी करेगा इस नेहा से? हाँ, इससे तो शादी करना ही पड़ेगा नेहा को। रुको, मैं बात करके आता हूं। सुसाइड नोट मिला है। जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, अब उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर। तुम्हारे वजह से जान गई उसकी। बेशर्मी की जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना, इज्जत की मौत मर गई। मैं तुम्हें कहा था इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों रहोगे, ठीक है? अटेम्प्टेड ऑफ सुसाइड का केस दर्ज है दोनों पर। चलो। अरे चलो सर। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई, और फॉरेंसिक टीम को चाकू पर उसी के फिंगरप्रिंट मिले। इसका मतलब नेहा ने सुसाइड ही किया है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर, वो क्या करती, उसे तो टूटना ही था, उसके बाप और भाई ने उसका साथ नहीं दिया। मेक श्योर शिरकी कि विष्णु और राहुल के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बने। ठीक है सर। केडकर साहब, केडकर साहब, वाला काम मिले। विद्या गायब है। क्या? हाँ, अपनी फ्रेंड तानिया के पेरेंट्स के एनिवर्सरी पर
इगतपुरी वाले उनके फार्म हाउस पर 24 तारीख को दो दिन के लिए गई थी। 26 को उसको वापस आना था लेकिन वो नहीं आई, बल्कि उसका फोन आया। हेलो पापा, मैं आज नहीं कल वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे लगा परेशान है वो नेहा को लेकर, इसलिए मैं मान गया। पर आज जब मैंने उसे फोन किया कि कब वापस आ रही है तो उसका फोन बंद था। तान्या को फोन किया? किया था सर। अंकल, विद्या तो 25 तारीख की रात को ही फार्म हाउस से घर के लिए निकल गई थी। विद्या 26 तारीख को घर आने वाली थी, वो 25 को इगतपुरी से निकली, आज 27 तारीख, लेकिन अभी तक तो घर नहीं आई। हाँ सर, मैंने तान्या के पापा से भी बात की, उनका भी यही कहना है। हो बड़ा बहू, विद्या तो 25 तारीख को किसी को कुछ बताया बगैर फार्म हाउस से निकल गई थी। विद्या कहाँ गई? प्लीज आप उसे ढूंढिए, प्लीज। तृप्ति, तान्या का एड्रेस लेना। चलिए। शिर के ये नेहा का सुसाइड केस सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, विद्या गायब हो गई। तुम एक काम करो, तृप्ति को बोलो राहुल और विष्णु से बात कर, और तुम मयूर और उसके दोस्तों से बात कर। विद्या की दोनों फैमिली से अनबन चल रही थी, सीरियस मैटर हो सकता है। ठीक है सर। सर 24 तारीख को मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, हम लोग ने साथ में सेलिब्रेट किया था, तब विद्या बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक था उसके साथ। लेकिन अगले दिन पता नहीं क्यों घर जाने की जिद करने लगी। तान्या, मुझे घर जाना है। पर अभी क्यों, अचानक क्यों जाना है? बस मुझे घर जाना है, चाहे फिर मुझे खुद से क्यों ना जाना पड़े। सर उसे अकेले कैसे जाने दे सकते थे, जिम्मेदारी थी हमारे वो, और कहा कि हम सब साथ में निकलेंगे अगले दिन, और वो मान भी गई थी, रूम में मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी वो जा चुकी थी। मैंने उसे फोन किया पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर उसका टेक्स्ट मैसेज आया कि मैं घर पहुंच गई हूँ। ये देखिए सर। डोंट वरी तान्या, मैं घर आ गई हूँ। मैंने उसे पूछा भी लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का। ऐसा कैसे बिना बताए चली गई, तुम कोई प्रॉब्लम में हो जाती तो? तुम लोग घर वापस कब आए? सर अपने स्केड्यूल के हिसाब से कल रात को ही हम घर वापस आ गए थे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सुमिता, मुझे तुमसे कुछ बात। मैडम, हमको क्या पता विद्या कहाँ गायब है, हम लोगों को तो आपने जेल में डाल रखा है। तुम यहाँ आने से पहले विद्या गायब है। तो क्या विद्या के गायब होने का मुकदमा भी आप हम पे चलाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसको जिम्मेदार तुम विद्या को मान रहे थे ना? तो विद्या जिम्मेदार थी सर। जिम्मेदार तुम हो। सर हम सच कह रहे हैं, विद्या के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। फालतू में और एक केस में हमको मत फंसाइए सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। सर कुछ भी हो जाए आप सीधे मेरे घर पर ही आ जाते हो, मैं क्यों गायब करूंगा विद्या को? एक काम करा ना इंस्पेक्टर, और एक सो मोटो केस हम पर डाल दीजिए और अरेस्ट कर लीजिए हम दोनों को। वैसे भी यही एक ही काम है जो आप लोग ठीक से करते हो। नेहा के रेप और सुसाइड केस को लेकर पुलिस पहले से ही दबाव में थी, और अब विद्या गायब हो गई थी। विद्या नेहा के असॉल्ट केस की आई विटनेस थी और एक पावरफुल नेता बाड़ा कामड़े की बेटी भी। मयूर और उसके दोस्तों के साथ नेहा के पिता विष्णु और भाई राहुल की एलिबाई क्रॉस चेक की गई। विद्या के CDR निकाले गए जिससे विद्या द्वारा अपने पिता बाड़ा कामड़े को की गई कॉल और उसकी दोस्त तान्या को किया गया टेक्स्ट मैसेज सही पाया गया। CDR के जरिए ही पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को भी ट्रैक कर लिया जिसने विद्या को 25 तारीख की रात फार्म हाउस से पिक किया था, और कैब ड्राइवर पुलिस को वहां लेके गया जहां उसने विद्या को ड्रॉप किया था। सर इसी घर पे ड्रॉप किया था वो लड़की को। सर मेरा और विद्या का अफेयर चल रहा है, 26 तारीख को उसने मुझे फोन किया सुबह। हेलो हेलो सुनील, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे मिलना है। लेकिन जब वो आई उसकी हालत ठीक नहीं थी सर। सुनील विद्या रो क्यों रही हो, क्या हुआ? सुनील मेरा रेप हुआ। बस रोती रही, मैं मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब उसके पापा ने उसे फोन किया तो मैंने उसे कहा कि उन्हें कहने कि वो अगले दिन आएगी। हेलो पापा,
मैं आज नहीं कल वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो 26 तारीख को सुबह से तुम्हारे साथ थी पूरे दिन भर? जी सर, उसके बाद वो जब थोड़ी सी स्टेबल हुई तो मैंने उसे वापस पूछा उसके रेपिस्ट के बारे में। प्लीज बता किसने किया ये सब? प्रकाश अंकल ने मेरा रेप किया। विद्या की फ्रेंड तानिया, उसके फादर ने उसका रेप किया। सर ये बताकर वो वापस रोने लगी, रोते रोते सो गई। मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी सो गया, लेकिन 27 सुबह जब मैं उठा तब विद्या घर पे नहीं थी। ये सब तुम्हें पता था, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बोला? सर विद्या के फादर के बारे में तो आपको पता ही है, अगर उन्हें हम दोनों के बारे में पता चल जाता तो फिर मार के चौड़ाई पे लटका देते सर। अरे कुछ नहीं करेगा वो, डरो मत। क्या बकवास कर रहे हैं सर? विद्या के बॉयफ्रेंड ने बताया और आपने उसके बातों पे भरोसा कर लिया? हम किसी की बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ फैक्ट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं। सर फैक्ट यही है कि उस दिन विद्या मेरे फार्म हाउस से निकलकर सुनील के पास गई थी और वहां से वो गायब हो गई। अब मुझसे पूछने के बजाय आप उससे पूछिए कि उसने विद्या का किया क्या है। और सर उस दिन फार्म हाउस में मैं अकेला नहीं था, मेरी बीबी और मेरी बेटी भी साथ थी। हमें क्या पता था सर कि वो मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाएगी? पहले ये मालूम होता था तो उसे हम लेकर ही नहीं जाते, भलाई करने गए थे बुराई हो गई। नहीं मम्मी, विद्या ने कुछ नहीं कहा है, उसकी बॉयफ्रेंड ने कहा है। गप्पा बस, तू तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुझे ही बहुत पड़ी थी ना उसकी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है बेचारी। अरे तेरे पापा पर गंदा इल्जाम लगाया है उसने। सुनील और प्रकाश में से कौन सच बोल रहा है विद्या ही बता सकती है। मैं सुनील के बयान को क्रॉस वेरीफाई करता हूँ सर। और सर मैं प्रकाश और सुनील दोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाती हूँ, शायद उससे कुछ पता चला। सर सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, उनके यहाँ कुछ लोग एक लड़की को लेके आए, पुलिस केस है। कुछ भी नहीं किया। अरे विद्या तो फार्म हाउस से चली गई थी, सुनील इन्हें फंसाना चाहते हैं, बड़ा भाऊ इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात मानो, ये सब सुनील का काम है, वो खेल खेल रहा है हमारे सबके खिलाफ। ये लड़की हमें नेकेड हालत में मिली थी, रेप तो हुआ ही है, रेपिस ने हत्या करने की भी कोशिश की थी और शायद मरा हुआ समझकर इसे फेंक दिया गया था। कहाँ मिली? ये एसएन नगर रेलवे स्टेशन के पास। एसएन नगर? सर वहाँ तो सुनील भी रहता है। अच्छा सर, मयूर और उसके दोस्तों की सेलफोन लोकेशन आ गई है। 26 तारीख को जिस दिन विद्या फार्म हाउस से गई थी, उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मयूर और उसका दोस्त देवदत्त की लोकेशन प्रकाश के फार्म हाउस की एरिया की थी। हाँ सर, हम दोनों गए थे फार्म हाउस पर, मगर विद्या को मानने नहीं बल्कि उससे समझौता करने के लिए कि वो नेहा के केस से पीछे हट जाए, अपना बयान बदल दे। तो वो नहीं समझी, उसका रेप कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया? नहीं सर, सर सुबह 6 बजे से हम उसकी राह देख रहे थे फार्म हाउस के बाहर कि कब वो बाहर आ जाए और हम उससे बात कर सकें, लेकिन फार्म हाउस से सिर्फ तानिया और उसके माँ बाप ही बाहर है, विद्या उनके साथ थी नहीं। एक बात बताओ, ये प्रकाश की फैमिली फार्म हाउस से बाहर कब निकली? सर सुबह 10 बजे। आपने कहा था 26 तारीख की रात को ही आप घर आ गए थे फार्म हाउस से, तो फिर 26 तारीख को सवेरे 10 बजे आप कहाँ निकले थे? सर वो उस दिन फार्म हाउस से निकलने के बाद हमारा ट्रेकिंग का प्लान था, इसलिए सुबह ही निकल गए, लेकिन पहुंचे घर को रात को ही। सर प्रकाश के फोन लोकेशन के हिसाब से वो सही कह रहा था, उस दिन फार्म हाउस से निकलने के बाद वो ट्रैकिंग पे गया और वहां से वो सीधा अपने घर गया। नहीं सिर, फिर भी हम प्रकाश को क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि सुनील के बयान के हिसाब से विद्या ने उसे फार्म हाउस पर रेप के बारे में बताया था और 25-26 की रात तक वो फार्म हाउस पर थी। सर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसने विद्या का रेप किया और उसे मारने की कोशिश की तो फिर विद्या को फार्म हाउस से जाने क्यों दिया? अब ये सब बातें विद्या ही बता सकती है। सर विद्या का बॉयफ्रेंड सुनील, लेबर से पता चला है कुछ दिन पहले विद्या और सुनील में जानलेवा झगड़ा हुआ था। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दो, छोड़ दीजिए मुझे,
कहीं तो छोड़ दो, मार डालूंगा उसे। पर बिना शादी के उस लड़के के साथ घूमती थी, रहती थी, सोती थी, छिप समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। तो उसके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ? इसलिए उसको मारने की कोशिश की? बड़ा कमड़े कोशिश नहीं करता, जो काम करता है पूरा करता है। अगर मुझे पहले ही पता होता ना इसके अफेयर के बारे में, तो आज आप हॉस्पिटल में नहीं श्मशान में मिलते उसे। सर विद्या चाहती थी कि मैं नेहा के फादर से बात करूं, नेहा को लेकर, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था, इसी वजह से हम दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, उसमें तूने गला दबा दिया। थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया था, इसलिए जो भी हुआ, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सर। अब विद्या के साथ तूने जो कुछ भी किया है ना, वो खुद विद्या बताएगी हमें होश में आने के बाद। विद्या मिल गई? हाँ, तुम क्यों चौंक गए? फिर से मारने का ट्राई करना है? देखो तुम्हारे साथ एक क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये कहानियां बहुत सुन चुके हैं हम लोग अभी, लेकिन ये इस कहानी में कौन सी सच्ची कहानी है सिर्फ तुम्हें मालूम है। किसने किया है सब तुम्हारे साथ? प्रकाश अंकल ने मेरा रेप किया जब वो नशे में थे। अंकल बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, कल मैं नशे में था बेटा, किसी को मत बताना प्लीज। विद्या बेटा इन्हें माफ कर दे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू हमारे बेटी जैसी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आखिर वो तान्या के पापा थे। तुम हमारे पास क्यों नहीं आई, अपने घर क्यों नहीं गई, सुनील के पास क्यों गई? सुनील के पास तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, पर सर उसने मुझे ऐसा धोखा दिया जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई सुनील। तूने डाला होगा कोई दाना, इसलिए उसने तेरा रेप किया, और तेरी जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। क्या बोलती थी मुझे, नामर्द, अब मैं तुझे क्या बुलाऊ, और अच्छा हुआ पहले तू मेरे पास आई, पुराने हिसाब भी तो चुकाने हैं। सुनील तू अमित मजे लेने क्या? हाँ तो फिर आजा। दिन भर अपने दोस्त के साथ मिलकर सुनील ने मेरा रेप किया। तुमने पापा को कॉल किया था, वो सुनील ने करवाया था। हेलो पापा, मैं आज नहीं कल वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए प्लीज। ये सुनील, प्रकाश और अमित, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करो, इन तीनों को मुझे जल्द से जल्द कोर्ट में देखना है। ठीक है सर। सर विद्या की डेड बॉडी मिली है उसके घर के सामने वाले पार्क में। डाला समाधान, मारून टाकले ना मुलीला? नहीं सर, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। चुप, पहले भी ट्राई किया था ना आपने उसका मर्डर का, अभी वो वापस आए तो उसको मार दिया, पार्क में फेंक दी उसकी बॉडी, ताकि हम लोगों को लगे किसी और ने मारा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। अरे विद्या यहाँ आई कैसे वो भी मुझे नहीं पता, मैं तो उसे खाना और दवाई देके अपने रूम में चला गया था, फिर कब विद्या घर से बाहर निकली पता ही नहीं चला, लोगों ने हंगामा मचाया तब पता चला मुझे। सीसीटीवी है घर में? सर ये विद्या तो अकेली घर से बाहर जा रही है, मतलब इसके पापा सही कह रहे थे। सर मैंने पार्क के एंट्री गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक की, रात को विद्या के अलावा पार्क में और कोई नहीं गया था। ऐसा हो सकता है कि किलर पार्क में पहले से हो, या किसी दूसरे साइड से वो पार्क में आया होगा। एक काम करो, तुम आसपास जितने भी घर है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, और शिरके विद्या के कॉल डिटेल्स चेक करो, अगर वो किसी को मिलने गई थी तो उसको किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर आया होगा। विद्या के घर आने के बाद उसे बहुत सारे नंबर से कॉल आए थे उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन सर एक नंबर ऐसा है जो थोड़ा खटक रहा है। 10 बजे कॉल करने के बाद इस नंबर की फोन की लोकेशन 12 बजे विद्या के घर के बाहर पार्क की है। सर आपका अंदाजा सही था, पार्क के पास के घर के सीसीटीवी फुटेज में हमें हमारा पॉसिबल किलर बाउंड्री जंप करते हुए दिखाई दिया है। मैडम
मेरे पति प्रकाश ने ही विद्या का रेप किया था। उन्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैडम, परसों मैंने अपनी तानिया को रात को घर से बाहर जाते हुए देखा था। क्या है ना तानिया, एक मराठी में कहावत है, जिसका काम उसी को भाए, दूसरा करने जाए तो गड़बड़ हो जाए। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे तुम प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं हो, तो तुम प्लानिंग नहीं कर पाई। तुमने क्या किया, विद्या का मर्डर करने गई तब तुम मोबाइल लेके गई। तुम पार्क के मेन गेट से नहीं गई इसलिए उस सीसीटीवी फुटेज में तुम नहीं आई। तुम दूसरे साइड से, दूसरे कंपाउंड से गई तो उसके सामने एक घर था, वहां के सीसीटीवी में तुम कैप्चर हो गई। और तुम्हारी माँ ने भी बयान दिया है कि रात को तुम घर से बाहर निकली थी। तो अब बताओ, क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा? सर, मेरे पापा मेरे हीरो हैं और वो विद्या, वो उन्हें फंसाना चाहती थी। पहले तो खूब चिपक चिपक कर डांस किया मेरे पापा के साथ, और जब अपा से नशे में गलती हो गई तो वो उन्हें फांसी पर लटका देना चाहती थी। पापा ने जबकि उससे माफी भी मांगी थी लेकिन उसने नहीं सुनी, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती थी। और मैंने उसे कॉल किया था आग में आने के लिए। छी तान्या, मैं तो तुम्हारे पापा को अपने पापा की तरह समझती थी, तुम इतना गंदा सोच भी कैसे सकती हो? विद्या, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। तुझे जो समझना है समझ तान्या, मैं बस इतना जानती हूँ तुम्हारे पापा ने मेरा रेप किया है और मैं उनको सजा दिला कर ही रहूंगी। वो मेरे पापा है और तेरे वजह से उन्हें। तुम्हारे पापा ने विद्या के साथ बहुत गलत किया और तुमने उस गलत का साथ दिया, तुमने सच्चाई का साथ नहीं दिया। ये सोचो कि विद्या की जगह अगर तुम होती तो ऐसा ही करती? अब सड़ो बाप बेटी जेल में। विक्टिम के साथ सहानुभूति रखना, उसकी जगह खुद को रखकर उसके दुख को समझने की कोशिश करना बहुत ही मानवीय गुण है। अगर तान्या के साथ भी विद्या के जैसा ही कोई हादसा हुआ होता तो क्या वो विद्या के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होती? बिल्कुल होती। वो एक ज्यादा बेहतर इंसान होती जिसकी इतनी समझ होती कि गलत गलत होता है चाहे वो कोई भी करे। जिस दिन ये सामान्य सी बात तान्या जैसे लोगों को समझ में आ जाएगी उस दिन बहुत सारे गलत अपने आप सही हो जाएंगे। इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका छाने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।